Welcome to C sharp session. Exception handling in C sharp. Exceptional handling in C sharp is the fifth pillar of object oriented programming. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि fifth pillar कहाँ से आ गया? अभी तक तो हमने fourth pillar तक चीज़ों को discuss किया और शुरू से हमने यही पढ़ा. तो बिल्कुल four ही pillar हैं object oriented में, लेकिन fifth pillar exceptional handling को इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे scientists हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी में एक्सेप्शन हैंडलिंग को फिफ्थ पार्ट कंसीडर करते हैं. ठीक है, लिहाजा हम इसे नॉन रजिस्टर्ड पिलर ज़रूर कहते हैं, लेकिन हम इसे फिफ्थ पिलर भी एज्यूम करते हैं नॉन रजिस्टर्ड के रिस्पेक्ट से, ऑल्दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फोर्थ ही पिलर हैं जो हमने इंडिविजुअली सेशन पर डिस्कस कर लिया है, जिसमें फर्स्ट हमने इनकैप्सुलेशन देखा, इनहेरिटेंस देखा, पॉलीमॉर्फिज्म और उसके दोनों टाइप्स देखे, एंड फाइनली जो फोर्थ पिलर था हमारा वो एब्स्ट्रक्शन था जो हमने लास्ट सेशन तक डिस्कस किया था. इस वक्त हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जरिए से एक्चुअली हम काम क्या परफॉर्म करते हैं. ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोज बाय द ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स, यानी ये तीन रिजर्व वर्ड हैं ट्राई कैच एंड फाइनली, जिसके जरिए से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करते हैं. इज अ मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड हैंडल रन टाइम एरर इन कोड, यानी इस मैकेनिज्म के जरिए से जो रन टाइम एरर होता है आपके प्रोग्राम के अंदर आप उसे हैंडल करते हैं. द डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ बिल्ट इन क्लासेस फॉर कॉमन एक्सेप्शन. द एक्सेप्शन आर एनोमलीज दैट अकर ड्यूरिंग द एक्सेप्शन ऑफ अ प्रोग्राम. दे कैन बी यूज ऑफ बिकॉज ऑफ यूजर लॉजिक और सिस्टम एरर. इफ अ प्रोग्रामर डजंट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू हैंडल दिस एनोमलीज, द डॉट नेट रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड अ डिफॉल्ट मैकेनिज्म विच टर्मिनेट्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. इन सिंपल वर्ड ये बता रहे हैं कि जब आप एक एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम करते हो और उसमें ऐसी कोई गलती है जो या तो यूज़र से हुई है या लॉजिकल हुई है या कोई सिस्टम की गलती है, तो उसके ज़रिए से क्या होता है, आपका प्रोग्राम आगे वाली चीज़ों को हैंडल नहीं करता बल्कि उसी जगह स्टक हो जाता है. ठीक है, यानी आपने जिस लाइन पर एरर किया है, डेलिब्रेटली किया है, या आपकी लॉजिकल कोई मिस्टेक हुई है वहाँ पर, उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोसेस प्रोग्राम का वहीं पर हॉल्ट हो जाता है. ठीक है, ये वर्ड जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. हॉल्ट होने का मतलब है प्रोग्राम वहाँ पर रुक गया, उसकी वजह से जो नीचे प्रोग्राम के मैकेनिज्म थे, आपके जो प्रोसेस था, वो भी अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये रन टाइम एरर होता है जो कि कंपाइल के प्रोसेस से होने के बाद मशीन को पता चलता है कि भाई ये जो सिस्टम है या ये जो प्रोसेस है ये आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, जिसके बाद उसे पता चलता है कि आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हॉल्ट हो जाना चाहिए या हो चुका होता है. तो उसी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं, जिसके तीन रिजर्व वर्ड अभी हमने डिस्कस किए, ट्राई कैच एंड फाइनली. अब ये एक्चुअली ये तीनों वर्ड हैं क्या, ठीक है, इनको समझते हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो ट्राई है, फिर कैच है, फिर फाइनली, और फिर इसी तरह एक वर्ड है यहाँ पे थ्रो, ऑल्दो हम फाइनल इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली थ्रो से क्या होता है. तो सबसे पहले हम ट्राई को समझते हैं. ए ट्राई ब्लॉक इज़ यूज टू इनकैप्सुलेट अ रीजन ऑफ कोड, यानी ये बाउंड्री डिफाइन करेगा उस कोड की जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम हॉल्ट हो रहा है, आप उसको इसके अंदर रखेंगे. इफ एनी कोड थ्रो एन एक्सेप्शन विद दैट ट्राई ब्लॉक, द एक्सेप्शन विल बी हैंडल्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कैच. यानी अगर ट्राई के अंदर जो कोड आपने रखा है उसके जरिए से कोई भी एक्सेप्शनल एरर प्रोड्यूस हो रहा है उस कोड की वजह से, तो उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ पर जम कर जाएगी, उसके कैच पर, यानी कैच की जो बॉडी होगी वो उस एरर को हैंडल करेगी. ठीक है, तो अब ये समझना है कि एक्चुअली कैच क्या करेगा. व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स, यानी जब कोई एरर अकर होगा, ठीक है, द कैच ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, उसके बाद कैच के अंदर जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो एग्जीक्यूटेड होंगी. दिस इज वेयर यू आर एबल टू हैंडल द एक्सेप्शन, लॉग इट और इग्नोर इट, जहाँ पर आप अपने एक्सेप्शन को यानी उस टाइप ऑफ एरर को हैंडल करेंगे या फिर आप उसको इग्नोर करवाएंगे. ठीक है, वो आपकी लॉजिक डिफाइन होगी कि किस जरिए से आप उसको इग्नोर करवाना चाह रहे हैं या वट एवर जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉक पर बताएंगे. तीसरा रिजर्व वर्ड है फाइनली. The finally block allow you to execute certain code if an exception is thrown or not. यानी finally block के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो दोनों process में execute होती हैं, although आपके program के अंदर कोई runtime error produce हो या ना हो, final के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो क्या होगी, execute ज़रूर होगी. For example, disposing of an object that must be disposed of. ठीक है, एक example के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हमने ज़मानी तौर पे जो है एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट से समझ लिया है कि कोई भी टाइप ऑफ एरर है वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, फाइनल के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो एग्जीक्यूट ज़रूर होंगी. इसके बाद थ्रो है. द थ्रो कीवर्ड इज़ यूज्ड टू एक्चुअली क्रिएट अ न्यू एक्सेप्शन
यानी आप कोई एक्सेप्शन क्रिएट करवाना चाह रहे हैं या कर रहे हैं दैट इज बबल्ड अप बाय टू अ ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक. ठीक है, यानी आप एक टाइप ऑफ एरर आपके कोड में एग्जीक्यूट हो रहा था, थ्रो के जरिए से आप उसे कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बबल अप कर सकते हैं कि एक्चुअली टाइप ऑफ एरर है क्या. ठीक है, मैं उसे देख सकूं कि एक्चुअली किस वजह से यहाँ पर एग्जीक्यूशन इस वक्त क्या हो रही थी, ब्लॉक हो रही थी या फिर स्टक हो रही थी इस लॉजिक के मुताबिक. तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए ट्राई कैच की या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग की, और इस चारों रिजर्व वर्ड को हमने थ्योरेटिकली भी देख लिया. अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली कि एक्चुअली हो क्या है. तो ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, और यहाँ पर तीनों रिजर्व वर्ड मैंने लिखा हुआ है जो कि एक्चुअली अभी हमने डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से भी देखा. लेकिन सबसे पहले तो हम सिंपल समझते हैं. तो मैंने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 10, इंटीजर बी इक्वल टू 0, और सिमिलरली इंटीजर सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी कंसोल डॉट राइट लाइन सी. अब यहाँ देख रहे हो कि कंपाइल टाइम कोई भी एरर नहीं है. ठीक है ना, कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है कि भाई मैं दोनों नंबर हैं, 12 भी नंबर हैं, 0 भी नंबर हैं. ठीक है, और मैं ए डिवाइड बाई बी कर रहा हूँ और उसके बाद सी की वैल्यू को क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर रन टाइम एरर मौजूद है. ऑल्दो हम ये कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर और डिफरेंट टाइप्स के जो एरर थे वो एक सेपरेट सेशन पे हम कर चुके हैं. ठीक है, तो मेरी सजेशन ये है कि पहले आप उस वीडियो को देखें या उस सेशन को कवर करें अगर आपने वो कवर नहीं किया है, जिसके अंदर मैंने टाइप ऑफ एरर सेपरेटली समझाया है. तो यहाँ पर रन टाइम एरर है. क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है ना, जो नीचे हमारी वैल्यू है वो क्या है, जीरो है. लिहाजा इस बेस पर जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो लेट्स सी, कंट्रोल F5 टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी. आप देख रहे हैं क्या लिखा आ रहा है, अनहोल्ड एक्सेप्शन, और उसके आगे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो, और उसके बाद हमारे जहाँ पे प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो दिखाई गई है, और लाइन नंबर 20 पर इन्होंने ये एक्सेप्शन को थ्रो किया है जो यहाँ पर हो रहा है. ये लाइन नंबर 20 है और यहाँ पर ये एक्सेप्शन कॉल हो रही है. तो इससे एक बात ये समझ में आई कि जो लॉजिकल एरर, जो डेफिनेशन पे भी हमने देखा था कि रन टाइम एरर्स जो हैंडल की जाती है वो ट्राई कैच के जरिए से की जाती है, क्योंकि जब वो रन होगा तभी उसे समझ में आएगा कि एक्चुअली ये अलाउ है या फिर नहीं. अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान समझने के लिए हम एक लाइन ऊपर लिखते हैं. मैंने यहाँ लिखा हेलो, इसी लाइन को मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया और यहां लिख दिया वर्ड. ठीक है, तो ये दोनों लाइन तो अपनी जगह बिल्कुल सही है ना भाई, ये दोनों तो प्रिंट होनी चाहिए, लिहाजा मैंने कंट्रोल F5 किया. अब आप देख रहे हो हेलो अपनी जगह जरूर लिखा हुआ है, लेकिन जो नीचे मैंने वर्ड प्रिंट करवाया वो कहीं पे भी यहां दिख नहीं रहा हमें. क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से मैंने बताया था कि जब हमारे पास इस तरह का कोई रन टाइम एरर आता है उसकी वजह से आपका जो प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है, वो हॉल्ट हो जाता है. तो हॉल्ट होने की वजह से आपका प्रोग्राम इस लाइन पे क्या हो चुका है, स्टक हो चुका है. तो इस स्टक होने की वजह से जो नीचे लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे. लिहाजा इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहते हैं, जो कि इन रिजर्व वर्ड के जरिए से क्रिएट की जाती है. लिहाजा अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस एक्सेप्शनल हैंडलिंग के रिजर्व वर्ड को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं. लेट्स सी. तो इस कोड को हम यहीं रहने देते हैं, बाद में कमेंट कर लेंगे और यहाँ से बात समझते हैं. तो जिस वजह से हमारा प्रोग्राम हॉल्ट हो रहा था मैं उसे ट्राई की बॉडी में रखूँगा, जो कि डेफिनेशन पर भी बताया गया था. तो हॉल्ट किसकी वजह से हो रहा है भाई? इस लाइन की वजह से हो रहा है. ठीक है, तो मैंने इस लाइन को कंट्रोल एक्स किया, इस ट्राई के अंदर कर दिया, और ये दोनों जो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से वेरिएबल हैं इनको मैंने टॉप पे रख दिया. ठीक है, ट्राई के अंदर रखने के बाद फिर इसके बाद हमारे पास जो वर्ड था वो था एक्सेप्शन का. तो एक्सेप्शन के साथ स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आप इसकी बॉडी बनाएंगे, और डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमने यहाँ देखा था कि ये टाइप ऑफ एरर को क्या करता है, हैंडल करता है कि अगर ट्राई के अंदर कोई भी प्रोग्राम या जो भी लॉजिक आपने लिखी है वो रन टाइम की वजह से हॉल्ट हो रहा है तो वो किसे कैच उसे हैंडल करता है. तो कैच हैंडल करेगा तो उसके लिए आपको टाइप ऑफ एरर यहाँ पे लिखना होगा. तो टाइप ऑफ एरर अभी हमने देखा था वो क्या था, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन. ठीक है, तो वो मैंने लिखा और इसका नाम रख दिया मैंने ईएक्स. ठीक है, बस इसके बाद देखो बॉडी पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है. ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा वर्ड क्या था, फाइनली.
और फाइनली की बॉडी में डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमने देखा था कि आप चाहें तो इस पे जो भी कुछ लिखेंगे, ऑल दो कंडीशन ये वाली चले या ये वाली चले, हमेशा फाइनल के अंदर जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वो प्रिंट होगी. लिहाजा मैंने कॉन्सोल डॉट राइट लाइन पर लिख दिया फाइनली कीवर्ड डिफॉल्ट. ठीक है, जूम आउट करते हैं. इस पूरे कोड को मैंने यहां से कर दिया कमेंट. ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये हमारी सिंपल लॉजिक है. कंट्रोल एस करता हूं, कंट्रोल एफ फाइव करता हूं, आप देख रहे हो कहीं पे भी प्रोग्राम क्या नहीं हुआ, हॉल्ट नहीं हुआ. ठीक है ना, और जो फाइनल के अंदर कीवर्ड लिखा, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो चीज प्रिंट हो गई. इसकी वजह यह है कि मैंने सी की वैल्यू को प्रिंट करवाया भी नहीं है कहीं पर. ठीक है ना, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर कहा हुआ है कि सी की वैल्यू वो हो जाए, सही हो जाए. चलो मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ, लेकिन वैल्यू प्रिंट इसलिए नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या है, जीरो है बी की, और ये अलाउ नहीं करता है. तो लिहाजा प्रोग्राम हॉल्ट नहीं कर रहा है ये, बल्कि इस एरर की वजह से ये कहाँ पर जम कर जा रहा है, कैच के अंदर. और कैच की बॉडी में मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया. दोबारा बिल्ड करता हूँ एंड रन करता हूँ. आप देख रहे हो कोई कुछ भी चीज़ लिखी भी नहीं आ रही है, ना टाइप ऑफ एरर लिखा आ रहा है, और प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो गया. प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड है. आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी एग्जी फाइल कैंसिल हो जाएगी. अब कैच के अंदर क्या चीज़ लिखनी होती है, या आप कैच को किस तरह से हैंडल करते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप कॉन्सोल डॉट राइट लाइन में जो कुछ बताना चाहते हैं, जो इसके ज़रिए से प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप वो प्रिंट करवा लें. ठीक है, वट एवर जो भी आप टाइप ऑफ एरर की वजह से प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, कि जीरो इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि आपने ऊपर लिखा हुआ है डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन, तो मैंने लिख दिया ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, जूम आउट करते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल एफ फाइव. तो आप देख रहे हो लिखा आ रहा है जीरो इज़ नॉट अलाउड. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होने की वजह से कैच में जम किया, और कैच के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ प्रिंट हो गई. अब मैं ट्रू करने लगा हूँ, तो ट्रू करने के लिए मैं बी की वैल्यू अब क्या कर चुका हूँ, 10, तो अब तो ये लीगल है. ठीक है, कोई भी नंबर है, जीरो नहीं है ये, तो कंट्रोल एफ फाइव. अब आप देख रहे हो जीरो इज़ नॉट अलाउड नहीं लिखा आया, बल्कि जो सी की वैल्यू थी वो लिखी हुई आ गई यहाँ पर 1, और साथ ही साथ फाइनल का जो कीवर्ड यानी फाइनली की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो भी यहाँ पर लिखी हुई आ गई. तो तीनों वर्ड देख लिए हमने, ट्राई कैच एंड फाइनली, कि इसकी क्या वर्किंग है प्रॉपर एग्जांपल के रिस्पेक्ट से, और ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. अब एक लास्ट में हमारा रिजर्व वर्ड था जिसको हम कह रहे थे थ्रो. थ्रो क्या करेगा, मैंने यहाँ लिखा थ्रो, उसके बाद यहाँ जो मैंने वेरिएबल लिया है ना ई एक्स, एक्चुअली मैंने इस टाइप ऑफ एरर को इसमें क्या करा दिया है, इसके नाम पर एलियाज बना दिया है. ठीक है, यानी इसका एक नाम रख दिया डिवाइड बाई जीरो को ई एक्स. अब मैं इस ई एक्स को भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे थ्रो करना, एरर को थ्रो करना चाह रहा हूँ. लिहाजा थ्रो लिखने के बाद मैंने ई एक्स लिखा और टर्मिनेट कर दिया. जैसे कि अभी हम जानते हैं कि ये टाइप ऑफ एरर पे जंप नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 10 कर दिया था. मैं इसको दोबारा से जीरो करता हूँ, तो इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पर अब मूव कर चुका है. कंट्रोल एस कंट्रोल एफ फाइव एंड हेयर इट इज़. आप देख रहे हो कि इसने क्या किया, जीरो इज़ नॉट अलाउड प्रिंट किया, और उसके बाद जो कंडीशन थी, जो एरर था जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम हॉल्ट हो रहा था, मैंने उसी एरर को क्या करवा लिया, कॉल करवा लिया, थ्रो करवा लिया. ठीक है ना, तो ये थ्रो के जरिए से काम था. एक्चुअली इस थ्रो की हर वक्त ज़रूरत नहीं होती. जैसे मैंने कैंसिल किया, देखो फाइनली कीवर्ड भी यहाँ पर लिखा आ गया, और उसके बाद प्रेस एनी क्यू टू कंटिन्यू भी हो गया. यानी आपका प्रोग्राम कहीं पर भी हॉल्ट नहीं हो रहा है. आप चारों रिजर्व वर्ड को जिस प्रोसेस से ज़रूरत होती है आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, थ्रो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर ट्राई कैच के अंदर इस्तेमाल हो. जहाँ थ्रो की ज़रूरत होती है, हम टाइप ऑफ एरर को थ्रो करवाना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम थ्रो करते हैं. तो इस तरह से ट्राई कैच या फिर एक्सेप्शनल हैंडलिंग को हम सी शार्प में इस्तेमाल करते हैं. और इसकी वजह क्या है कि जो रन टाइम एरर है जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम हॉल्ट हो रहा होता है, उसे ओवरकम करने के लिए या इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ट्राई कैच को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अब कुछ एडवांस प्रॉब्लम है, यानी जो हम अक्सर सी शार्प के अंदर परफॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड. ठीक है, तो नेस्टेड से क्या मुराद है, और इसी तरह हम एक से ज़्यादा कैच किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर एक कैच मौजूद है, मैंने इस कैच को कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ लिखा हुआ डिवाइड बाय ज़ीरो. आप कंट्रोल एफ फाइव करें और यहाँ पर आएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ के एरर यहाँ पर लिखे हुए आएंगे. जैसे एक डिवाइड बाय ज़ीरो है, ठीक है, इसी तरह लेकर DLL नॉट फाउंड एक्सेप्शन. इसी तरह से अगर आप आओ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, यानी फॉर एग्जांपल आपने एक एरे ली, ठीक है, और एरे के अंदर आप ऐसे इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है, तो इसके लिए जो टाइप ऑफ एरर है वो क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज.
अच्छा अब एक ये सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइप ऑफ एरर की वजह से प्रोग्राम हॉल्ट हो रहा है, तो जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के बगैर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग पे करके दिखाया था, तो हमारे प्रोग्राम ने आउटपुट पे खुद शो किया था कि टाइप ऑफ एरर क्या है, ठीक है, तो उस टाइप ऑफ एरर को शो करने की वजह से ही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी टाइप का एरर होगा उसी बाउंड्री के कैच के अंदर हमारा कर्सर जंप करेगा, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लॉजिक एरर के रिस्पेक्ट से होगी तो वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि वो कहाँ पर जाएगा, इस कैच पे जाएगा, ठीक है। तो एक सिनेरियो पे ये बात हमें समझ में आ गई कि एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैचेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप एक ट्राई के बाद दूसरा ट्राई नहीं बना सकते यहाँ, ठीक है, यानी हर ट्राई का ताल्लुक मल्टीपल या एक कैच से ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक ट्राई के साथ दूसरी ट्राई बनाने का मतलब ये है कि आप उसके कैच को क्या करवा रहे हैं, इग्नोर करवा रहे हैं। ऑल्दो आप ट्राई को नेस्टेड ज़रूर कर सकते हैं, यानी ये ट्राई के अंदर मैं दूसरी ट्राई भी बना सकता हूँ। कैसे, ये ट्राई है, मैं इस बॉडी पर आता हूँ, ये इस ट्राई की बॉडी हो गई, और इसी ट्राई के अंदर मैंने क्या बना लिया, एक और कैच बना लिया, तो ये नेस्टेड ट्राई हो गया, ठीक है। ये जो ट्राई है ये इसके साथ ये वाला कैच है, ऑल्दो ये जो ओवरऑल ट्राई है इनके कैचेस ये दोनों, और फाइनली के हवाले से हमने लास्ट ये देख लिया कि जब भी फाइनली आप रिजर्व कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आइदर कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्ले होगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा। फाइनल में हमारे पास एक कंडीशन ये आती है कि अभी आप ये देख रहे हो कि आपने हर एक कैच पर डिवाइड बाय ज़ीरो या इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लिखा हुआ है। एक तरीका हमारे पास यूनिक ये है कि मैं कैच लिखूँ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज किया मैंने यहाँ पर, और डायरेक्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ जाकर लिख दिया एक्सेप्शन ई एक्स। अब एक्सेप्शन ई एक्स का मतलब ये है कि किसी तरह का भी एरर हो ट्राई की बॉडी की लॉजिक के मुताबिक, ऑल्दो किसी तरह की भी गलती यहाँ पर हो रही हो जो कि कंपाइल टाइम हो, सॉरी आई मीन रन टाइम हो, तो वो डायरेक्टली कहाँ पर जम कर जाएगा, एक्सेप्शन पे, यानी हर तरह की एक्सेप्शन है, ऑल्दो वो डिवाइड बाय ज़ीरो हो, आउट ऑफ इंडेक्स नंबर हो, नॉट फाउंड हो, या वट एवर जो भी है। तो इससे फ़ायदा ये होता है एक्सेप्शन लिखने से कि हमें कोई स्पेसिफाइड नहीं करना होती कंडीशन कि एक्चुअली कौन सी कंडीशन होगी तो यहाँ पर आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने देखा कि एक्चुअली एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या चीज़ है, ये चारों रिजर्व वर्ड किस तरह से काम करते हैं, और उससे पहले हमने ये देखा था कि ये रन टाइम एरर क्या है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद हमने कैच के डिफरेंट टाइप्स देखे, फिर हमने ये समझा कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैचेस हो सकते हैं, फिर ये भी देखा कि ट्राई के अंदर भी आप एक ट्राई कैच बना सकते हैं जो कि नेस्टेड ट्राई कहलाएगा, और फिर हमने फाइनल के हवाले से ये जाना कि फाइनल ऑल्दो आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों कंडीशन पर आप जो भी चीज़ फाइनली के अंदर लिख रहे हैं वो चीज़ प्रिंट होगी।